नमस्कार दोस्तों, 1 2 3 ऑनलाइन एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा काम आप लोगों को पसंद आता होगा। अगर थोड़ा भी मेरा काम आप लोगों को पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलती है और मुझे काम करने में और अच्छा लगता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि कमेंट आए हैं, मैं उस पर सोच रहा था कि आप लोगों को पर्सनली आप लोगों को इस पर रिप्लाई करना मुझे बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने इस पर सोचा आप लोगों को पर्सनली वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी दे दें। ठीक है, तो चलिए मैं आज का पहला कमेंट लेता हूँ जो कि कुछ कॉमन कमेंट थे, ये तो लगा आप लोगों के लिए इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो उत्तम जी का पहला कमेंट है, ये सेकेंड लिस्ट का मेडिकल कब होगा? तो उत्तम जी, मैं आपसे बता दूं कि अभी री मेडिकल चलने वाला है। ठीक है, अभी री मेडिकल स्टार्ट होने वाला है, तो सेकेंड लिस्ट की मेडिकल उसके बाद ही होगी। तो अभी मान के चलिए अभी 1 से 2 महीने आपको लग सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 महीने के बाद ही आपका जो सेकेंड लिस्ट आई है उसका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 2 महीने लगेंगे अभी तक। ठीक है, तो दूसरा कमेंट मैं लेता हूँ, ये सोनाली कुमारी यादव जी का है। सर, मेरा नौकनी में 8 सेंटीमीटर से ओवर री मेडिकल दिया है, बट मेरा नॉर्मल गैप है। जी सोनाली जी, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका नॉर्मल है, आपका नौकनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आपका मेडिकल में 100% आप फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जी अगर आप भी थोड़ा भी कमी होगी तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप नॉर्मल है, आपका नॉर्मल गैप है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका री मेडिकल 100% श्योर है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ये योगेश जी का है। सर, मेरा SSC GD का फिजिकल अगस्त में था, जिसे मैं देने नहीं जा पाया था, क्या वो अब हो सकता है? जी, अब उसका मेडिकल हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी उसका आपने फिजिकल नहीं दिया और उसका मेडिकल क्लियर हो गया, अब उसका री मेडिकल होने वाला, तो आपने बहुत लेट कर दिया है। ठीक है, तो इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन आपका जहाँ पे फिजिकल था आप वहाँ पे जाके एक बार बात कर लीजिए, देखिए कुछ चांस निकलता है जो सेकंड लिस्ट वालों के साथ, हो सकता है आपका भी मेडिकल करा दिया जाए। ठीक है, लेकिन आपने उनका भी फिजिकल हो चुका है भाई, तो आप मुश्किल ही है, लेकिन आप एक बार जाके बात कर लीजिए, शायद कोई उसका रिस्पॉन्स आ सके, आप हो सकता है आपके लिए कुछ बेनिफिट की बात हो जाए। ठीक है, तो उस पर जाइए, आप वहाँ पर देख सकते हैं एक बार, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा एक बार आप जाके वहाँ पर जाँच कर लीजिए पर्सनली। ठीक है, और फिर क्वेश्चन है ये ब्रिज मोहन चौरसिया जी का। सर, SSC GD का री मेडिकल कब तक आएगा भैया? SSC GD का री मेडिकल कब तक आएगा? ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट आते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, री मेडिकल एंड ऑफ मार्च के मिड मार्च और एंड ऑफ मार्च के में हो सकता है। ठीक है, तो इतना दिन आप वेट कर लीजिए, कम से कम 1 महीने तो लग ही जाएंगे भाई, क्योंकि अभी 13 फरवरी तक आपका मेडिकल चला है और उसका 15 दिन का जो गैप दिया गया था, कि मतलब जो जिनको री मेडिकल मिला है 13 फरवरी को, उनको 15 दिन का टाइम मिला, यानी 28 फरवरी तक, तो अभी वो उनका प्रोसेस चालू है, और जो कि 1 2 दिन का जो बैक डेट जो जिनका किसी कागज बस उनको भेजा गया है, उनको भी 4-5 दिन का टाइम दिया गया, यानी कि 20 फरवरी तक उनका मेडिकल ही चल रहा था अभी। ठीक है, तो अभी मान के चलिए 5 मार्च तक अभी उनका डॉक्यूमेंट को ही सेंड करना है वहाँ पे, तो एंड मार्च और मिड मार्च में आपका री मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए, देखते रहिए, और फिर हम आप एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और हम आपका ले लेते हैं यहाँ पे जी, तो क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे चैनल पे अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा भी आप लोगों का सपोर्ट मिले तो मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं आपको दे दूंगा। और हाँ, एक बात और, मैं कल लाइव आ रहा हूँ, SBI क्लर्क का जो प्री का एग्जाम होने वाला, कल मैं लाइव आपको एग्जामिनेशन सेंटर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको लाइव बताने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कल लाइव आने वाला हूं, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे 1 2 3 ऑनलाइन एग्जाम पे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, 1 2 3 ऑनलाइन एग्जाम में आपका बहुत